close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आज मैं शराब बोर्ड में मौजूद हूँ। कराची से कोयटा जाने वाली जो कोचेज हैं उस जगह पर आया हुआ शराब बोट में। कराची से कोयटा में भी पैसेंजर कोच आ गई है, तो हमने कहा क्यों ना हम इसको भी हाईलाइट करें, इसको भी बता सकें आप लोगों के लिए कि कराची से कोयटा जाने वाली गाड़ी भी मसाजर आ चुकी है, और इसकी डिटेल्स भी बताते हैं क्या फैसिलिटीज़ हैं और कितनी कंफर्टेबल है, और कराची से कोयटा जाने वाली जो गाड़ी थी और कराची से लाहौर जाने वाली गाड़ी में क्या डिफरेंस थे। तो अंदर चल के इसके बारे में जानते हैं, तो आ जाएं। कराची से कोयटा जाने वाली जितनी भी गाड़ियां, ज्यादातर गाड़ियों में 95% गाड़ियों में ना जूते उतार के अंदर जाया जाता है, क्योंकि इन्होंने कारपेटिंग करी होती है, इसकी ये वजह है, और बहुत अच्छी कारपेटिंग करी होती है, तो आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि जूतों के साथ जाऊं। तो मैं भी जूते उतार दूं। तो दोस्तों, ये कोच है जो मसाजर कोच जो स्टार्ट हुई है कराची से कोयटा जाने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त कोच है। टिकट इसका है 2500 रुपये टिकट है कराची से कोयटा जाने के लिए। अब मैं सीट पे बैठ के भी आपको इसका रिव्यू देता हूँ कि कितनी कंफर्टेबल है और क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। आपको मेरी पिछली वाली वीडियोस आपको पता होगी जो मैंने भेजी थी कराची से इस्लामाबाद जाने की, जो ITC क्रूज़र की थी, बिल्कुल ये उसी तरह की वो पहले आई थी पाकिस्तान में। अब ये कराची से कोयटा जाने के लिए पहली कोच आई है पाकिस्तान में, वो लोग पहले लाए थे, अब कराची से कोयटा जाने के लिए पहली कोच ये आ चुकी है, अल सैफ वाले लेकर आए। मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ पे भी मुझे बहुत पसंद आई थी ये कोच, और अब भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं बैठ के भी आपको इसका रिव्यू दूंगा, कंफर्ट के हिसाब से कैसी है ये और क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें। तो दोस्तों, मेरे साथ सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, अब इनसे जानते हैं इसकी डिटेल्स और क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत से अल्लाह का एहसान, शुक्र है मालिक का। सलाउद्दीन साहब, ये बताएं कि कराची से कोयटा की जो सर्विस है उसमें ये गाड़ी फर्स्ट टाइम आई है, पहली बार? जी, अभी पहली बार आया हूँ। अच्छा, मुझे भी मालूम हुआ तो मैं तभी आया यहाँ पे वीडियो बनाने के, ताकि मैं व्यूवर्स को भी बता सकूँ कि ये फर्स्ट टाइम कराची से कोयटा जाने वाली गाड़ी में आई है, क्योंकि पहली गाड़ी तो मैंने वहाँ देख ली थी कराची से इस्लामाबाद की। तो कोयटा के लिए आप लोग पहली दफ़ा लाए, अल सैफ वाले लेकर आए इसको, और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। अच्छा, क्या फैसिलिटीज़ है? क्या सर जी, इसका 2500 रुपये किराया है। 2500 रुपये जी? अच्छा, ये तो दोपहर 1 बजे भी इसका टाइम है, रात को 8 बजे भी इसका टाइम है, मतलब 4 टाइम है हम लोगों का। अच्छा, और खाने पीने की सहूलियत? पानी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक, पानी और कोल्ड ड्रिंक मिलती है सर। और कराची से कोयटा कितनी देर में पहुंचा दी? 10 घंटे का रास्ता है। 10 घंटे में पहुंचा दी। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कोच है, और फुली एयर कंडीशन है? हाँ, एयर कंडीशन ही सी। और स्क्रीन आप अपने हिसाब से भी चला सकते हैं, मतलब यहाँ ड्राइवर ही चलाएगा? नहीं नहीं, अपना हिसाब से हर आदमी चला सकते, हर आदमी उसको कंट्रोल दिया हुआ। तो थैंक यू सलाउद्दीन साहब, इंशाल्लाह सफ़र करना होगा तो ज़रूर आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी जो कोच है बड़ी ज़बरदस्त कोच है यार। दोस्तों, मैं सीट पे आराम से सुकून से बैठा हूँ, और आप देख सकते हैं कोई भी मोटा आदमी भी हो वो भी आराम से रिलैक्स होके बैठ सकता है, क्योंकि स्पेस अच्छा है इसमें, और हेडरूम तो है ही है, बहुत ज़्यादा ही है, वो तो बस उसके बारे में तो छोड़ ही दें, और आराम से बंदा बैठ सकता है। और इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको ऑप्शंस बताता चलूँ। ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, इससे जा रही है, ये देखें फुटरेस्ट आपका नीचे जा रहा है, बिल्कुल नीचे, ये नीचे चला गया। फिर आपने अगर इसको, ये बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधा हो गया। अगर आपने इसको ऊपर करना है, आपने आराम दे के लिए लेटने के लिए आपने करना है, तो इसको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिया हुआ, ऊपर का बटन, आप आराम से ऊपर का बटन दबाएं, और ये देखें बिल्कुल ऊपर की तरफ आपका फुटरेस आ गया, ठीक है। और अब ये जो इसके पीछे जो 2 बटन दिए हुए हैं, अब ये इसके बारे में भी बताऊँ, आगे अगर आप दबाएँगे तो ये आगे जा रही सीट, और ये देखें पीछे से मेरी जो फ्लैट होती जा रही, बिल्कुल मैं नीचे लेटता जा रहा हूँ, लेटता जा रहा हूँ, ये देखें ये यहाँ तक चली गई है, ठीक है। और मैं आराम से रिलैक्स होकर लेटा हुआ इस टाइम, और मुझे कोई मसला नहीं है,
कोई मतलब तंग नहीं हो रहा कहीं से भी, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा स्पेस बनाया हुआ है। और ये जो मेरे इसके इसके पीछे देख रहे हैं दो बटन, तो ये वो बटन है मसाजर के लिए। अगर ये मैं ऑन करता हूँ, ये देखें पीछे मोटर्स लगी हुई हैं जो आपको मसाज कर रही हैं, और आपको आपकी बॉडी खुद रिलैक्स हो जाएगी। जैसे ही मसाज ऑन करेंगे ना, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, मतलब आप आराम से सो जाएं ऑन करके और आराम से मसाज लेते हुए मतलब सफ़र करें। अब तो ये सहूलत भी आ गई है। और ऑफ़ करना हो तो यही बटन है, ऑफ़ कर लें, ये देखें ऑफ़ कर लिया। अब आपने इसको असली अपनी पोजिशन में लाना है, तो फिर वही आप इसी तरह से करें। फुटरेस आपने अगर नीचे करने हैं, फ्लैट करने हैं ताकि आप पैर रख सकें, तो ये पैर रखने की जगह ये सही, ठीक है। और स्क्रीन की भी फैसिलिटीज़ हैं, आप आराम से मूवी देख सकते हैं, गेम खेलनी है गेम खेल लें। हाँ, ये फिल्म आ गई, फिल्म आ गई, ड्रामे आ गए। मतलब आप कोई भी काम अपने मैनुअली कर सकते हैं, आपके हैंड में कंट्रोल, आपके कंट्रोल में है ये। तो फाइनली गाइज, मेरा रिव्यू कंप्लीट हो गया अलसैफ कोच का, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। कराची से कोयटा जाने वालों के लिए भी खुशखबरी है कि उनके लिए भी मसाजर सीट्स आ गई हैं, अलसैफ वाले ले आए हैं, बहुत अच्छा है ये। और बहुत खुशी होती है मुझे कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नहीं आती है, अच्छी बात है कि नहीं आती है, जो चीज़ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम लोगों का फ़र्ज़ है और उसका ख्याल रखना चाहिए। और मेरे लिए इसलिए ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि मैंने ये कोच पहले ही देख ली थी, ITC क्रूज़र जो कंपनी है कराची से लाहौर इस्लामाबाद के लिए, वहाँ मैं पहले जा चुका हूँ, वहाँ रिव्यू कर चुका हूँ। उनके दो वेरिएंट थे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, बहुत अच्छी सर्विस थी, आप ज़रूर देखिएगा। और एक नई कोच भी आई है बुलेट कोच का पाकिस्तान में, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैंने उसका भी रिव्यू किया है, और बहुत अच्छी कोच है कराची से कोयटा के लिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.